एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खंडवा में तन सर से जुदा नारे लगाने पर कहा दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। खंडवा में प्रकरण दर्ज हो गया है और जो रिकॉर्डिंग आई है उसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा सीएम शिवराज लगातार नशा मुक्ति को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उनके निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश के अंदर नारकोटिक्स और ड्रग्स एक्ट के तहत प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 189 प्रकरण बनाए हैं और 200 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। खंडवा में लगे नारे सर तन से जुदा पर गृह मंत्री ने बताया खंडवा में प्रकरण दर्ज हो गया है और जो रिकॉर्डिंग आई है उसकी जांच की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उनके निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश के अंदर नारकोटिक्स और ड्रग जो एक्ट है उसके तहत प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पिछले दिनों में 189 प्रकरण बनाए और 200 आरोपी उसमें बनाए और 334.24 जब्त मादक पदार्थ उसमें किए गए। अवैध खिलाफ शराब के खिलाफ जो कार्रवाई प्रदेश में की गई है 2589 प्रकरण बनाए गए हैं और 2586 लोग उसमें आरोपी हैं और उसमें 16,603.5 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया है। जो सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले हैं ऐसे लोगों को 335 प्रकरण बने हैं तो 361 उसमें आरोपी बनाए गए। प्रदेश के अंदर जो गाड़ी चलाने वाले हैं शराब पी करके इससे 199 प्रकरण बने और 199 ही आरोपी। सिगरेट एवं टबाकू प्रोविजन एक्ट में 163 प्रकरण है और 163 ही आरोपी। अवैध मादक पदार्थ में नशा करने वालों की चेकिंग संख्या में 1672 है जबकि शराब पीने पिलाने वाले स्थानों की चेकिंग संख्या में इसमें 2486 आया। इसे जागरूकता के माध्यम से भी चलाया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा पर मिश्रा ने कहा राहुल गांधी की यात्रा में बुजुर्ग नाच कूद रहे हैं, यात्रा को हंसी का पात्र बना दिया है। राज्य से जुड़ी कोई बात नहीं हो रही है और ना राष्ट्रीय समस्या पर कोई बात हो रही है, ना देशभक्ति के गीत बज रहे हैं और ना ही देशभक्ति के नारे लग रहे हैं। नए नए कर्तव्य दिखाकर मीडिया को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। हास्य का विषय बन गया है, बुजुर्ग दौड़ भी रहे हैं, बुजुर्ग नाच भी रहे, अद्भुत हो गई है। मुरैना में कह रहे हैं कि बंदूक है लेके आना है और बंदूक है निकालना है। यात्रा ने भी पूरी यात्रा को एक हंसी का पात्र बना दिया है। ना तो कोई राष्ट्र से जुड़ी हुई बात हो रही है, ना राष्ट्रीय समस्या पे बात हो रही है, ना देशभक्ति के गीत बज रहे हैं, ना देशभक्ति के नारे लग रहे हैं। नए नए कर्तव्य दिखा के मीडिया को आकर्षित करने की एक अलग प्रकार की कोशिश यात्रा में चल रही है। केजरीवाल के मंत्री के इस्तीफे पर उन्होंने कहा लोकतंत्र में इस तरह की भाषा की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी ऐसी है कि उनके पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। अब लोकतंत्र में इस तरह की भाषा की इजाजत तो वैसे किसी को नहीं है, लेकिन ये पार्टी ऐसी है केजरीवाल जी की, इसके पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। एक मुख्यमंत्री शराब पीने की हालत में विदेश में मिलते हैं, समाचारों में स्थिति देखने को और सुनने को मिलती है। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री शपथ लेते ही जेल चले जाते हैं। एक राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और अभी आज जो इस्तीफा आया है देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये किस तरह के लोग हैं केजरीवाल जी और इनकी पार्टी से भी क्या उम्मीद की जा सकती है। मिश्रा ने कहा कांग्रेस एमपी में रोजगार देने की बात किस मुंह से कह सकती है, 15 महीने में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, लिखित में झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी ने 4,000 नौकरी देने की बात कही थी, किसी को भी रोजगार नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हर महीने रोजगार मेले लगेंगे। कांग्रेस किस मुंह से कहेगी ये वाली बात, जिसने घोषणा पत्र में घोषणा की थी रोजगार देने की और एक सरकारी वैकेंसी कमलनाथ जी ने 15 महीने में निकाली।
कांग्रेस कैसे कहेगी इस बात को जिसने लिखित में झूठ बोला 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का और एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हर महीने रोजगार देने के लिए मेले लगेंगे, लोन देने के लिए, और 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की है। और ऐसा नहीं है कि इसके कारण से किए, पिछले 3-4 महीने से लगातार हर महीने ये कार्यक्रम हो रहा है और लगातार लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।